मम्मी आ रहे हैं, मम्मी के पीछे दीदी आ रही है। इसको मैं तोड़ने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट, मतलब लंच करने के लिए आने वाले हैं। तो दीदी के ससुराल वाले आने वाले हैं, स्पेशली मैंने उनको लंच पे बुलाया। सो मेरा लंच यहाँ पे रेडी हो गया। लंच में पता है मैंने आज क्या बनाया है? ये देखिए, यहाँ पे छोले, ये छोले बन गए हैं, एंड इसमें है रायता, ये देखिए रायता एंड राइस, और ये है आम की चटनी। सो इतना बनाया है और बाकी का देखूंगी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं और अभी पूड़ियाँ और रोटी वगैरह जो है ना वो गर्म गर्म सेक लेंगे। सो बस उनके आने का वेट कर रही हूँ एंड कुछ। हाँ यस बेटा। एंड ये है पीछे रुदांशु, ये देखो। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड मैं उठा लेती हूँ अलमेरा में से चुन्नी, क्योंकि भाई उनके मम्मी पापा एंड मतलब दीदी के लॉज हैं ना वो भी आ रहे हैं, बड़ी वाली दीदी एंड बड़े वाले जीजाजी आ रहे हैं। तो चार लोग आ रहे हैं एंड उनका बेटा भी आ रहा है। सो पांचों लोग आ रहे हैं और मैंने लंच बना लिया है, बस उन लोगों का ही आने का वेट कर रही थी। सो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। होप आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं पीछे से चुन्नी उठा लेती हूँ। ये है मेरी चुन्नी जिसको मैं तोड़ने वाली हूँ। ये देखिए, आते साथ ही दोनों भाइयों ने अपना काम पकड़ लिया है। पूरे घर में ना इस तरीके से टॉय फैला दिए हैं। तो यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, बैठे हुए हैं और मैंने बनाई हुई है चाय। तो सब लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं एंड टीवी देख रहे हैं एंड ढेर सारी गपशप चल रही है। सो बातें करते करते सब चाय एंजॉय कर रहे हैं। फिर आपका ना टाइम शेड्यूल सैटरडे फ्राइडे चलना है, मंडे को वापस आके आओगे? नहीं, आपका समझते हुए यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। जब सब लोग साथ में होते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। सो यहाँ चाय पीते पीते एंड थोड़ी देर बैठे और सब लोगों ने खूब सारी बातें की, गपशप चली। एंड यहाँ पे पापा जी फर्स्ट टाइम ही आए हुए थे, मम्मी जी आई हुई थी, मम्मी जी आई थी जब हम लोगों ने गृह प्रवेश की पूजा रखी थी उस टाइम पर आई हुई थी। तो मम्मी जी आई थी और पापा जी फर्स्ट टाइम ही आए हुए थे। सो गाइस, यहाँ पे लंच मेरा पहले ही रेडी हो गया था। लंच में है चावल और छोले, रायता, भिंडी की सब्जी, चटनी एंड रोटी। तो भिंडी की सब्जी और रोटी मैंने बाद में बनाया और बाकी पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। सो मैंने ज़्यादा एकदम ऑयली ऑयली नहीं बनाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना तो ऑयली खिलता भी नहीं, इसलिए सादा सिंपल सा लंच बनाया था। एंड गाइस, खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर अभी यहाँ पे हम लोग जाएंगे, मंदिर जाएंगे। सो उसके बाद फिर मम्मी जी आएंगी नहीं, हम लोगों ने सोचा यहीं पर पहले फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे। सो चलिए अब मतलब कोई आता ना तो कितना अच्छा लगता है, फिर जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा घर भी खाली खाली हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। सो देखो ना, घर एकदम भरा भरा लग रहा है ना, सब लोग दिख रहे हैं ना। सो बट क्या कर सकते हैं, अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और घूम के आते हैं मंदिर, आप सबको भी लेके चलते हैं मंदिर। गंदी वाली खाली है, मैं गंदी वाली मैंगो। गंदी नहीं है, उसमें गोई है उसमें। ठीक है, नीचे गिर गया, नीचे गिर गई थी। खाना खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। सब लोग लेके जा रहे हैं मंदिर, मंदिर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं सबको, है ना, मंदिर घूमने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं मंदिर, घूम के आते हैं सबके साथ। सब लोग पहुंच गए हैं मंदिर एंड मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो मम्मी आ रही है, मम्मी के पीछे दीदी आ रही है, बाकी के लोग आगे जा रहे हैं। तो चलिए मंदिर घूमते हैं सबसे पहले तो, एंड बिल्कुल शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। मम्मी थक गए हो? तो गाइस, ये सारे लोग गए हुए हैं मंदिर घूमने के लिए। देखो पीछे का नजारा कितना सुंदर दिख रहा है ना मंदिर, आप लोगों के साथ पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बस मतलब मंदिर के अंदर आते से ही ना इतना सुकून सा मिलता है ना कि क्या ही बोलूं। और ये देखो पीछे बरगद का पेड़, जब मैंने यहाँ पे इस बरगद के पेड़ के नीचे ही बट सावित्री की ना पूजा की थी, ये दिख रहा है।
सो बस वो लोग आने वाले हैं दर्शन करके। एंड दोनों बच्चा पार्टी की खूब मस्ती चल रही है, देखो पीछे पूरा मंदिर दिख रहा है, एकदम सुंदर सुंदर सा मंदिर। ताला ही तो देख रहे कितना ऊपर लगा हुआ है मंदिर में, ताला कैसे खोलते होंगे, इसके ऊपर खड़े होके खोलते होंगे। मम्मी ने बेचारी थक गई है तो सीढ़ी को पकड़ पकड़ के ये रेलिंग के सहारे सहारे ऊपर चढ़ के जा रही है। सो गाइस ये है थर्ड मंदिर, मतलब उधर वाला जो मंदिर था ना सड़क के उस पार वाला, वो भी घूम के आ गए। एंड इधर जो राम जानकी का था वो घूम के आ गए हैं। एंड ये है लक्ष्मी जी का मंदिर, तो इस वाले मंदिर को ये लोग गए हुए हैं घूमने के लिए। एंड मम्मी ने इतना ज़्यादा थक गई हैं कि मतलब थक गया, मतलब वो थोड़ा सा उनको दिक्कत होता है तो वो चलने में, सो वो रेलिंग को पकड़ पकड़ के जा रही हैं चल के। एंड ये देखिए पीछे मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। जमीन इतनी गर्म हो रही है कि मिट्टी मिल रही है, तो मिट्टी का खेल लग रहा है, बच्चों को मिट्टी के साथ खेलेंगे। रात के 8 बजे भी इस मंदिर पे इतनी भीड़ रहती है, देखो इतनी इतनी पब्लिक आ रही है। कितने बजे तक खुला रहता होगा मंदिर? मुझे लगता है 11 बजे तक तो खुला रहता होगा, है ना? 8 हाँ 8 साढ़े 8 हो गया होगा। बंदी क्या होता है क्योंकि इस टाइम पे भी इतनी भीड़ हो रही है ना मंदिर पे। मजा आया दीदी मंदिर घूम के? सबको अच्छा लगता है मंदिर आके। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमने विजिट तो भी कर लिया। हम कोई नहीं होते हैं, भगवान खुद ही बुलाता है अपने भक्तों को, है ना? डेस्टिनी तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। थक भी गए हैं बेचारे बच्चों को ना, प्यास लगाई है, पानी पानी चिल्ला रहे हैं एकदम, गर्मी भी बहुत हो रही है ना उसकी वजह से। शॉर्ट हेलो गुरु, हेलो देखा लगता है बच्चों। बुआ के पैर छू क्या ना बुआ? ये सब नहीं बुआ, आप आ जाया करो बस। आप इतनी इंसल्ट भी नहीं करो होंडा सिटी की। नहीं नहीं कर सकते, थोड़ी सी कर। बाय शॉर्ट, बाय करो, बाय। और साथ में चलेंगे अभी। हाँ थक गई है घूमते घूमते, इसलिए मम्मी को यहीं पे खड़ा कर दिया था। एंड मम्मी बैठ रही है गाड़ी में, खड़े में खड़े भी तो थक जाते हैं। मंदिर घूमने के बाद वो लोग निकल गए अपने घर के लिए, एंड हम जा रहे हैं हम अपने घर के लिए। घूम लिया है? मुझे तो प्यास ही लग रही थी, इसको तो प्यास ही लगाई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर।